अंडमान। ये धक्का दे रहोगे क्या हमें? भारत की मुख्य भूमि से कई हजार किलोमीटर दूर बसा हुआ एक टापुओं का समूह। रामायण से लेकर अंग्रेजी हुकूमत की कहानियां छिपाए हुए एक ऐसी भूमि जहां पर एक समय स्वतंत्रता की ज्वाला इतनी तेजी से भड़की कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। गहरा नीला समंदर, गगनचुंबी दरख्त, सब कुछ है यहाँ, पर क्या वाकई सब कुछ है यहाँ? मैं भी जा रही हूँ अंडमान। अंडमान निकोबार आइलैंड्स पहुँचने के दो तरीके हैं, एक शिप से जिसमें 3 से 5 दिन लगते हैं और एक फ्लाइट से जिसमें सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। यह है पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट, चलो मेरे पीछे। वैसे तो अंडमान का एयरपोर्ट छोटा है, पर मुझे अभी तक का सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट लगा है ये। सब कुछ चमक रहा है, ये देखो। इससे याद आया, दिस ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड बाय ई ट्रिप। तो 10 डिग्री से 30 डिग्री में आ गई हूँ मैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। हम डायरेक्टली जेल जा रहे हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता था, इसे अंग्रेजों ने बनाया था उन लोगों के लिए जो उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते थे। मैं काला पानी जेल पहुंच गई हूँ, अभी हम जेल के अंदर चलते हैं। ये जेल हमारे इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस रखता है, और अभी मैं इसका टिकट लेने जा रही हूँ जो कि 30 रुपीज का होगा। अगर हम भारतीय हैं तो टिकट का प्राइस 30 रुपये प्रति व्यक्ति है, और अगर आप बाहर से हैं तो आपके टिकट का प्राइस होगा 100 रुपये, जो कि आप होंगे नहीं, और वीडियो कैमरे का प्राइस 200 रुपया। तो अपने रिस्क लाना। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज करने की कोशिश की थी। तब हमारे भारत में कुछ फ्रीडम फाइटर्स निकल के आए जो भारत को उनके राज से निकालना चाहते थे। उन फ्रीडम फाइटर्स को पेनल्टी देने के लिए उन्होंने यहाँ पे जेल बनाई, जिसको सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है। इस पूरे म्यूजियम में ये दर्शाया गया है कि कितने षड्यंत्रों के थ्रू हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स ने फंसाया है और फंसा के उनको गलत सजा दी है। 1857 में भारत के पहले फ्रीडम फाइटर कहे जाने वाले मंगल पांडे जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज और हथियार उठाए, जिसके बाद भारत में स्वतंत्रता की एक लहर उठ गई। ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि भारतीयों को दबाना आसान नहीं होगा, तब उन्होंने यहाँ पर जेल बनाना शुरू कर दिया और भारत के मेन लैंड से यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स को लाकर कैद किया जाने लगा। तो ये जेल कुछ ऐसे डिजाइंड है कि एक सेंट्रल एरिया है जिसको वॉच टावर कहते हैं, वहाँ से सब कुछ देखते थे ब्रिटिशर्स की कौन क्या कर रहा है, और उस सेंट्रल एरिया से 7 विंग्स निकलते हैं और हर एक विंग में 3 स्टोरीज हैं, और हर एक स्टोरी पे सेल्स बनाए हुए हैं जिसमें कि सेनानियों को रखा जाता था, और हर एक फ्लोर पे एक वार्डन रहता था जिसकी 3 आवर्स की शिफ्ट होती थी, मतलब हर एक 3 आवर्स के बाद एक वार्डन चेंज हो जाएगा, और सेनानी इसमें कैद रहते थे। ये थी उनकी कोठरी जहाँ पे रोशनी तभी आ सकती थी जब सनलाइट आता हो, उसके अलावा रात में घूप अंधेरा, कुछ नहीं पता चलता था उन्हें कि कब कौन सा कीड़ा आ रहा है और उन्हें काट के चला जा रहा है। कोठरी का दरवाजा डायरेक्टली यहाँ से बंद नहीं होता, यहाँ से बंद होता है ताकि कोई भी कैदी हाथ लगा के खुद खोल ना सके इसको। जमीन पर चलने वाले कीड़ों से तो सेनानी लड़ लेते, लेकिन सामने था एक बहुत घिनौना और बदबूदार कीड़ा। अंग्रेज उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों के ऊपर झूठा केस बनाकर काला पानी की सजा दे दिया करते थे, लेकिन जेल तक लाना तो पहला पड़ाव था। अगला पड़ाव था सेनानियों की हिम्मत तोड़ना, जिसके लिए सेनानियों को अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित किया जाता था, जैसे दिन भर में 9 किलो नारियल का तेल निकालना। इसके बारे में उल्लासकर दत्त जी ने कहा है कि हमारे गांव में 2 बैल मिलकर दिन भर में 7 किलो तेल निकाल पाते थे, और यहां पर मैं और मेरे 2 साथियों को दिन भर में 36 किलो तेल निकालना होता था। सावरकर जी ने कहा, हमें कोल्हू के बैल की तरह जोड़ दिया जाता और जमादार कोड़े लेकर खड़ा रहता और हमें निरंतर तेज भागने का ऑर्डर देता रहता। अगर रफ्तार जरा से भी धीमी होती तो शरीर पर कितने कोड़े बरसाए जाते पता नहीं चलता। यहाँ पे वीर सावरकर की कोठरी भी है, जिनके नाम से एयरपोर्ट भी बनाया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, और ये वही थे जिन्होंने यहाँ पर कैदी की तरह जीवन बिताया और अपनी कहानी क्या हुआ उनके साथ ये बुक के माध्यम से पोर्ट्रे की है। और अगर इतनी प्रताड़ना के बाद भी किसी की आजादी की हिम्मत नहीं टूटती तो अंग्रेज उनको फांसी की सजा दे दिया करते थे। ये वो जगह है जहाँ पे जब फांसी लगती थी और उनको लिवर पुल करके नीचे गिरा दिया जाता था, जो उनकी बॉडी लाश आती थी वो यहाँ पे आती थी, इस बेसमेंट में आती थी। अंग्रेजों की इस बर्बरता को ना सहते हुए इस जेल के सेनानी 1933 में भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस बात का पता चलते ही पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वालों की तादाद एकाएक बढ़ने लगी।
अंग्रेजों के लिए अब भारत छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। हालांकि आजादी मिलने में अभी भी कुछ समय बाकी था। ये सेंटर हुआ करता था, इसी को वॉच टावर कहते हैं, और यहाँ से सातों ब्लॉक की निगरानी रखी जाती थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापानी लोगों ने इस जेल पर कब्जा कर लिया और कुछ अंग्रेजों को इसी जेल में बंदी बनाकर रख लिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जापानियों के साथ मिलकर 1943 में भारत का तिरंगा इस टापू पर फहराया। लेकिन उसके बाद भी भारत को पूर्ण रूप से आजाद होने में 4 साल लगे और हमारे देश की आजादी में सेलुलर जेल का बहुत बड़ा हाथ रहा। इस अमर ज्योति पे लिखा है, जब तक हमारे राष्ट्रभक्तों के हृदय में तत्वनिष्ठा कमोबेश बची है, तब तक भारतवासियों की तलवार लंदन के द्वार तक चलती रहेगी।